NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए नीट का एग्जाम 2022 के लिए एडमिट कार्ड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में एग्जाम सिटी को भी आप फाउंड आउट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथ में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे लगभग लाखों छात्रों के लिए वो घड़ी आ गई है जब उनके एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए 17 तारीख का डेट रखा गया, लेकिन उसके लिए एडमिट कार्ड की डाउनलोड करने की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जहां से आप जाके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी। आपके एग्जाम संबंधी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आप यहाँ पर नीचे चले आएंगे और यहाँ पर देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है कि 17 तारीख एग्जाम होने वाला, उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। और यहाँ पर इसके बारे में और जानने के लिए या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। और यहाँ पर देखिए नीट के एडमिट कार्ड को 8 तारीख को रिलीज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट को दे रखा है, टाइमिंग अभी चलना शुरू हो गई है। दोस्तों यहाँ पर अपने एग्जाम की सिटी को चेकआउट करने के लिए यहाँ पर एक लिंक आपको दे रखा है। इस लिंक पर सिंपल सा आपको टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, जहाँ पर आपसे ओके और कैंसिल का दो ऑप्शन दे रखा है। आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। आयुष मंत्रालय का यह पेज है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यह ऑफिशियल पेज है, जहां पर आपसे एग्जाम सिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपका एडमिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहां पर एक कैप्चा को दे रखा है नीचे में। इस कैप्चे को आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जहां पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एक पेज खुल के आएगा, जहां पर आपके फॉर्म संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन खुल के आएगी। और नीचे में आपके स्टेट सिटी आप एग्जामिनेशन दे देगा। यहाँ पर देखिए अपना स्टेट दे रखा है और यहाँ पर एग्जाम की जो सिटी है उसको दे रखा है। एग्जाम की टाइमिंग देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखा है। साइड में आप टाइमिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइम को आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर डेट दे रखा है, मीडियम ऑफ पेपर का रहेगा वो भी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको 8 जुलाई 2022 तक का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी 16 घंटे कुछ मिनट का समय आपके पास है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा। यहाँ पर एक नया लिंक शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की प्रक्रिया लगभग सेम रहेगी। यहाँ पर जैसे कि आप इस पेज पर आ जाएंगे, एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद जहाँ से आपका लॉगिन का पेज खुलेगा, जहाँ पर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी वही जो कैप्चा है, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने खुल के आएगा। तो गाइस यह थी छोटी सी जानकारी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए सभी दोस्तों के पास शेयर करना भूलें। साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।